अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं हूँ आमिर शहजाद टेक्सचर पाकिस्तान से, वेब डेवलपमेंट के ऑनलाइन सेशन के साथ। तैमूर, मैं असल में थोड़ा सा लेट हो गया था ऑनलाइन। मैं तकरीबन टाइम पे हो गया था, लेकिन किसी हाजत की वजह से मुझे उठना पड़ गया। सही। तो अभी मैं फिर से स्टार्ट करूँगा सेशन, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी मैंने ये स्टार्ट कर दी। आपने आपके सामने ही शायद आपने नोटिस किया होगा, ये जो OBS सॉफ्टवेयर है, इससे मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो बाद में मैं इंशाल्लाह ताला जब टाइम मिलेगा तो फिर इसको अपलोड कर दूँगा। आवाज़ मेरी ठीक आ रही है और स्क्रीन भी सही नज़र आ रही है? सही नजर आ रही है, आवाज भी ठीक आ रही है। अच्छा, बस ये कि मैं लास्ट टाइम, मुझे याद पड़ता है हमने इस पेज पे थे। पुरानी कुछ वीडियोस मैंने देखी है ना, जो रिकॉर्डिंग थी ये, बल्कि आप अगर आए इस पे, मेरे जो चैनल है यूट्यूब का, इस पे अगर आप आए ना, तो यहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इस प्लेलिस्ट में ना इसी की मैं फिर वीडियोस जो है ना वो इस पे शामिल ये करता रहता हूँ ना। यहाँ पे कुछ वीडियोस ये पड़ी हुई है ना पहले से, अच्छा, इसमें एक वीडियो बाबिर बाबिर और मेरे साथ सेशन हुआ था उसकी भी है, ये भी आप चेक करना। ठीक। तो सुनाएं, ठीक हैं आप? हाँ, शुक्र है, अलहमदुल्ला, बिल्कुल ठीक। आप सुनाए। मैं भी फर्स्ट क्लास हूँ। आपने PHP में तो कोई काम नहीं किया? नहीं सर, छोड़ना चाहिए। बिल्कुल बेसिक लेवल का भी नहीं किया? एक तो मैं वैसे किया था कि PHP पेज था, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करनी थी, तो वो जरा सा चेक वगैरह किया था, मगर उस टाइम आता नहीं है मुझे। अच्छा, अभी आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो Windows 10 या 8 कर रहे हैं या कौन सी? 10 अच्छा चले, जो लोग ये बाद में रिकॉर्डिंग भी देखेंगे तो कुछ चीज़ें मैंने शेयर करनी थी। एक तो ये इंशाल्लाह ताला इसको थोड़ा सा फॉलो करेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ पे सारा टाइम लगाने से कुछ मेरे लिए भी ये दिलचस्प काम नहीं होगा। कुछ बीच में ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे, क्यूरीज होंगी वो करेंगे, और कुछ चीज़ें ये है कि मैं साथ साथ शेयर करूँगा। तो एक चीज़ ऐसी है कि जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपकी भी वो दिलचस्प लगेगी चीज़। एक टूल है PHP, एक मिनट, ये मेरा टाइपिंग इसने रोक दिया, मैं कीबोर्ड दूसरे साथ लगा लेता हूँ। अच्छा, PHP और डेस्कटॉप, ये अगर आप सर्च करें ना, ये बड़ा दिलचस्प टूल है। ठीक PHP डेस्कटॉप आप सर्च करें ना, या सीधा ऐसी URL पे चले जाएं, तो ये अगर आप तैमूर करें ना, तो ये सिंपली आपके डाउनलोड, आप अपने डेस्कटॉप पे कॉपी करेंगे और इसके अंदर एक एग्जी फाइल होगी। बल्कि मैं इसको साथ साथ चला के भी दिखाता हूँ। मेरे पास ये वर्चुअलाइजेशन, मैंने इसमें कुछ इमेजेस बनाए हुए हैं, कुछ टेस्टिंग मैंने की है पहले से ही। तो अभी मैं इसमें एक इमेज, इसका Windows 10 का मैंने किया हुआ है लोड, तो कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ऑलरेडी, तो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि इसमें ये फ़ायदा है ना, आप जो एप्लीकेशन आपने बनाई है उसको सिंपली आप इसमें, एक इसका सोर्स का होता है ना, वैसे तो आपको पता है सर्वर बनाने के लिए थोड़ा सा फिर आपको तरद्दत तो होता है ना। आपने अगर कोई एप्लीकेशन बनाई है PHP में और उसको आपने क्लाइंट को देनी है, तो एक वो तरद्दद होता है, ठीक है? अच्छा, तो ये मैंने डाउनलोड पहले से यहाँ पे करके रखी हुई है, तो इस पे कुछ और भी एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए हैं। अच्छा, ये Windows 10 तो नहीं है, ये तो मैंने शायद Windows 7 कर दिया लोड, Windows 10 करने थे। चलें, इसको मैं बंद करता हूँ, Windows 10 को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इस टूल के ये फिर मज़े की बात है ना, कि आप एग्जी फाइल है ये,
अपना आप सोर्स इसमें WW का फोल्डर है उसमें कॉपी करते हैं और जस्ट डबल क्लिक करते हैं उसको, तो यानी इसके अंदर ही एम्बेड हुआ हुआ है। तो बेसिकली इन्होंने गालबन क्रोमियम जो है ना, जो प्रोजेक्ट है उससे कुछ सेटिंग करके तो कुछ ऐसे काम किया है। इसका पिन मैंने क्या रखा था मुझे याद ही नहीं। चलिए लग गया तुक्का। तो आपको इसको आप ट्राई करना अपने पास भी, मुझे तो ये काफी इंटरेस्टिंग ये चीज लगी है। ठीक, मैं उसके वो लिंक के पास बुक मार्क कर लेता हूँ ना। जी मैं इसको कोशिश करूँगा कि ये डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दे दूँ, कोशिश करता हूँ कि इसको डिस्क्रिप्शन, बल्कि यहाँ पे मैं ये आपको चैट में दे देता हूँ, आप इसको। मैंने इनके साथ से टाइप कर लिया था मैं कंप्यूटर अच्छा में। सही है, चलें ठीक है। मैं अच्छा अभी ये मेरा ही सिलेक्ट है तो अच्छा अभी ये लोड हो गया है। तो इसमें मैंने, मेरा ख्याल है यहाँ पे डाउनलोड नहीं हुआ हुआ, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ अभी। बल्कि पड़ा हुआ डेस्कटॉप के ये पर, क्योंकि ये मैंने कोर काम के लिए इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो बल्कि आप साथ साथ बेशक इसको डाउनलोड करके ट्राई कर लें। ये इसमें एग्जी फाइल ये एक होती है, बाकी इसमें ये WW का फोल्डर होता है और ये कुछ अभी इनकी डिफ़ॉल्ट फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है तैमूर, तैमूर आप मेरे साथ हैं? शायद तैमूर ऑफलाइन तो नहीं था, ऑनलाइन ही है। लेकिन तैमूर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलें किसी वजह से तैमूर ऑफलाइन हो गया है। तो चलें मैं अभी जो ये बता रहा हूँ PHP डेस्कटॉप के बारे में वो मैं कंप्लीट करता हूँ कि इसमें जो WW का फोल्डर है यहाँ पे आप ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट इनकी अपनी फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ये पड़ी रहें अपनी फाइल्स इसके अंदर ही कॉपी कर लें, या फिर इनको रिमूव करके किसी और फोल्डर में डाल लें और फिर अपनी फाइल्स यहाँ पे डाल दें। तो उसके बाद आप ये है कि यहाँ पे ये PHP डेस्कटॉप क्रोम डॉट एग्जी के नाम से फाइल है, इस पर डबल क्लिक करें। आप ये भी कर सकते हैं कि इसको रीनेम करके अपना मर्ज़ी का कोई नाम दे दें प्रोजेक्ट को ना, जो भी आपका प्रोजेक्ट है। तो इसमें जो पीछे ये विंडो नज़र आ रही है ना, इसको हम हाइड कर सकते हैं, इसकी सेटिंग्स में ऑप्शन है। तो फिर ये कि आपको सिर्फ ये एप्लीकेशन नज़र आएगी जैसे नॉर्मल डेस्कटॉप एप्लीकेशन नज़र आती है। तो इसमें इन्होंने जो WW के फोल्डर के अंदर चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे अभी लिस्ट नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, जैसे एक तो ये इन्होंने PHP इन्फो के नाम से रखी हुई है फाइल, तो ये हम देख सकते हैं कि हमें इस पर और कुछ भी नहीं करना पड़ा है। Windows 10 में मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ इसको आप डबल क्लिक करें और आप ये स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे PHP का वर्जन देखें ये इस्तेमाल कर रहा है, और इसके साथ SQLite आप इस्तेमाल करें डेटाबेस तो वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि पोर्टेबल एप्लीकेशन के लिए वही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप MySQL इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो अब फिर आपको अलग से इंस्टॉल करनी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी। मैंने वैसे ये अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, लेकिन मेरा इरादा है कि मैं इसमें अलग से SQL जो है वो करके टेस्टिंग करूं। वैसे इसने ये लोड किए हुए हैं PHP, यानी ये अगर आप SQL MySQL के साथ कनेक्ट करेंगे तो हो जानी चाहिए, लेकिन उसको इंस्टॉल आपको अलग से करना पड़ेगा। तो बहरहाल मैं इस पर वापस जाता हूँ। तो ये तो चले एक चीज़ हमने इसकी चेक कर ली है, इसको भी मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। इसमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का भी एक सिस्टम है, लेकिन मैंने इसको टेस्ट नहीं कर सका हूँ
बाकी ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। कुकीज़ अभी देखें यहाँ पे स्टोर नहीं हुई हुई कुछ भी, कुछ शो नहीं किया इसने, लेकिन अब क्रिएट रैंडम कुकी करें तो ये अब स्टोर इसने कर दिया है। तो अभी मैं गो बैक जाता हूँ और दोबारा इसी पेज पे आता हूँ, तो ये जो कुकीज़ सेव हुई थी वो पड़ी हुई हैं, यानी कि रीलोड करें तब भी नज़र आ रही हैं। तो कुकीज़ ऐसे ही होता है कि जो पेज के आपके वेब पेज के साथ आप अपने स्टोर कर सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन क्लाइंट कंप्यूटर पे, और उसको बाद में आप जब सर्वर को दोबारा ओपन करते हैं तो वो सर्वर को रीडेबल होती हैं और वो उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी जैसे कि वेरिएबल्स ये सारे इसने शो कर दिए हैं, PHP अंडरस्कोर सर्वर के नाम से गालबन जो वेरिएबल होता है उसको इन्होंने डिस्प्ले करवा दिया है, और कमांड एग्जीक्यूशन आप जो होस्ट सिस्टम है, जैसे कभी हम इसको चला रहे हैं विंडोज़ में, तो अगर हम यही चला रहे होते लिनक्स में तो उस वक्त इसका होस्ट लिनक्स होता, तो आप कुछ कमांड्स जो है ना वो उस लोकल सर्वर पे भी चला सकते हैं। जैसे ये अब इसने विंडोज़ के ऊपर कमांड चलाई है, एको करवाया है सिस्टम रूट, और यहाँ से ये UUID लिया है। तो ये एक आपके पास यूनिक आईडी आप इससे ले सकते हैं। तो अच्छा, अच्छी बात यह है कि ये PHP डेस्कटॉप जो है ना लिनक्स के लिए भी दस्तयाब है अलग से अगर आप करना चाहें, और मैक के लिए अभी ये रेडी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आगे मैक के लिए भी ये दस्तयाब होगा। तो इसमें से कुछ और चीज़ें मैं ट्राई करता हूँ, जैसे ये डाउनलोड है, और अब ये सर्वर यानी इसी के अंदर ही फाइल पड़ी हुई है, लेकिन आप इस कंप्यूटर पे यहाँ पे कुछ वहाँ पे सेव करके लोकल कंप्यूटर पे आप डेस्कटॉप पे सेव करवाना चाहते हैं कोई चीज़ तो करवा सकते हैं। फिर मैं गो बैक करता हूँ और इस पे फॉर्म चेक कर लेता हूँ। जिस तरह नॉर्मली आपके HTML में फॉर्म होता है वैसे ही ये फॉर्म है, सबमिट करेंगे तो डेटाबेस में सेव हम करते हैं आमतौर पे, या फिर डेटाबेस से वैल्यू रीड करते हैं और पेज के ऊपर हम डिस्प्ले करवाते हैं, ये काम हम कर सकते हैं। फिर इसमें गालबन ये एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे खोलेगा, तो अभी यह कि ऊपर जो वैसे वो मेन्यू आ रहा था वो तो उनके अपने पेज का बना हुआ था, तो अगर वापस कर जाना है तो हम राइट क्लिक करके बैक कर सकते हैं। इसी तरह वीडियो को मैं टेस्ट करता हूँ, HTML वीडियो, तो ये खैर YouTube पे सीधा ले आए हैं, वीडियो यानी कि इसके अंदर प्ले हो सकती है। तो इस प्रोजेक्ट को चलाने का खैर मेरा इरादा तो था कि मैं इसको सेशन के आखिर पे बताऊंगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ से हटके काम है, लेकिन क्योंकि उस वक्त शुरू में ही तैमूर ऑनलाइन हुआ है तो उसको बताने के लिए फिर मैंने ये स्टार्ट कर दिया था। तो हम वापस जाते हैं अपने मेन पेज की तरफ, और यहाँ से आप पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ये लिंक्स जो हैं ये मैं सेव कर लूँ, और जब इसकी वीडियो ये मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पर तो ये उसमें डिस्क्रिप्शन में शामिल कर दूँ। तो यहाँ पे मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला लिंक कॉपी कर लेता हूँ, एक ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये बाद में हो सकता है मैं भूल जाऊँ, इसीलिए फिर मैं अभी के अभी ये आपके सामने ही सेव कर सकता हूँ। पुरानी अगर आपने वीडियोस देखनी है उसके लिए, और एक जो मैंने आपको ये वाला जो टूल बताया है PHP डेस्कटॉप,
इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, इसका लिंक भी। और इसके अलावा फिर कोई और अगर लिंक्स आएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि वो भी सेव कर लूँ। तो ये आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे और इसको मैं सेव करता हूँ एक्सटर्नल लिंक्स के नाम से, डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव करता हूँ कि मुझे याद रहे फॉर यूट्यूब। तो इसमें और भी मुझे अगर ज़ेहन में आता है तो मैं और भी सेव कर दूँगा। तो ये यहीं पे मैं इसको ओपन रहने देता हूँ ताकि फिर मज़ीद सेव कर दूँगा। तो यहाँ पे ये डाउनलोड का सेक्शन है, तो डाउनलोड से आप विंडोज़ और लिनक्स के लिए दोनों के लिए सेव कर सकते हैं। तो ये जो लेटेस्ट वर्जन है ये विंडोज़ 10 में डायरेक्ट चलता है, इसमें और कोई चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और विंडोज़ 7 में अलबत्ता ये है कि आप इसमें आपको पहले उसको सर्विस पैक 1 इंस्टॉल करनी पड़ती है और एक आलमन विजुअल सी प्लस प्लस की जो रन टाइम एनवायरनमेंट है वो इंस्टॉल करनी पड़ती है। और विंडोज़ एक्सपी पर अगर आपने चलाना है तो फिर इसका एक पुराना वर्जन है, वो मेरे ख्याल है यहीं पे किधर लिंक उसका होना चाहिए। बहरहाल आप इसके यहाँ पे जो इसकी रिलीज़ है वहाँ पे जाके आप पुराने वाला वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैक के लिए अभी इन्होंने इनिशियल कोई भी रिलीज़ नहीं हुई है, जैसे यहाँ पे ये रिलीजेज आ रही हैं, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो विंडोज़ एक्सपी के लिए भी एक पुराना वर्जन, ये तो अभी 5.7 है ना, गालबन 6.0 है एक वर्जन 45, हाँ ये देखें ये 4.7 है, PHP 5.4 के साथ है और विंडोज़ XP सर्विस पैक 3 हो तो उस पर चल सकता है। ये मैंने अपने पास ट्राई किया है और ये चलता है। तो ये तो हो गया जी PHP डेस्कटॉप। और जैसे कि मैंने बताया था कि वैसे मकसद तो ये था कि ये मैं आखिर में बताऊंगा, लेकिन बाय चांस पहले ये चीज़ें बता दी हैं। और अच्छा ये शायद कोई नेट में प्रॉब्लम आया होगा तो इसीलिए डिसकनेक्ट हो गया है। किसी वजह से रीज्वाइन नहीं कर रहा है। मैं मिसाला पेज को दोबारा रीलोड करके देखता हूँ। ज्वाइन नाउ जी तैमूर, आवाज़ आ रही है? अच्छा मुझे नहीं पता लगा ये क्या हुआ है, शायद डिस्कनेक्ट हो गया। कितनी देर हुई मुझे नहीं पता लगा। मेरे ख्याल है 5-10 मिनट हो गए होंगे। अच्छा ऐसे है कि मैंने ऑलमोस्ट वो PHP डेस्कटॉप जो है ना वो ऑलमोस्ट डेमोंस्ट्रेशन कर दिया रिकॉर्ड, वो फिर मैं अपलोड वीडियो करूँगा इंशाल्लाह ताला, तो फिर आप देख लेना। ठीक है, मुझे पता नहीं चला है क्योंकि वैसे आप मैं हेलो हेलो करता रहा हूँ उस वक्त फिर आपकी आवाज़ आनी रुक गई, तो फिर मैंने यही सोचा है कि क्योंकि ये वीडियो मैंने अपलोड करनी है तो फिर ये है कि जो वैसे लोग दो देख रहे हैं तो उनके लिए मैंने कहा चले एक वो सीक्वेंस में ही हो जाएगा काम ना। वैसे मैंने सोचा था कि ये मैं जो सेशन है ये आखिर में रखूँगा ना, क्योंकि ये थोड़े से वो हटके हो जाती है ना। अच्छा अच्छा तो ये थोड़ा सा वो रूटीन से हट जाता है ना, थोड़ा सा एडवांस लेवल की एक चीज़ आ जाती है ना। नॉर्मली तो यही है कि आप PHP
वेब सर्वर विंडोज़ पे इंस्टॉल करते हैं नॉर्मल तरीके से, या फिर सर्वर पे अपलोड करते हैं। लेकिन क्योंकि आप ऑनलाइन हुए थे, मैंने कहा चले ये मैंने आखिर में शेयर करनी थी बात, लेकिन मैं पहले ही कर देता हूँ क्योंकि आपके मुझे लगा कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगी बात। बिल्कुल, मैं चेक कर लूंगा आपकी मीटिंग में। तो फिर ऐसे ही होता है कि हम शेयरिंग करते रहते हैं इस तरह की चीज़ें, तो इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता रहता है। सही है। नहीं तो आपने कोई बात शेयर करनी है? नहीं अच्छा चले फिर, ये वैसे मैंने सोचा ये था कि अगर या कोई प्रॉब्लम किसी चीज़ में अगर आपको होता है, वैसे ही सोचा ये था ना कि प्रॉब्लम्स अगर कोई ज्वाइन करता है मुझे ऑनलाइन, प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं, और अगर प्रॉब्लम्स नहीं है तो फिर मैं ये वैसे ही है कि इसमें सीक्वेंस में कोशिश करूँगा गो थ्रू करूँ। चलिए। तो कोई इशू वगैरह कोई इस तरह की चीज़ कोई डिस्कस करने वाली नहीं है तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। थोड़ी बहुत है तो सही, लेकिन वो पहले बात आगे भोपाल में डिस्कस करता है। तो पहले आप इशक इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत सेशन कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे आपकी मर्जी है आप डिसाइड करें आप कैसे करना चाहते हैं। मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप अभी बता दें, क्योंकि फिर आप ये कि आप फ्री हो जाएंगे ना, आप फिर मतलब सेशन लीव भी कर सकते हैं या अटेंड मतलब सुनना चाहते हैं तो तब भी अच्छी बात है। मेरे पास एक आई फ्रेम है, ठीक है, उसमें जो कैनिस्ट्रो होता है ना, वो एक बार थर्ड पार्टी के थ्रू उसमें ऑब्जेक्ट यानी आई फ्रेम में जो नजर आता है वो मेरे अंडर तो नहीं है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरे आई फ्रेम के अंदर वैल्यू आए तो वो ऊपर से टॉप के कुछ पिक्सल खा के आए, वो मैं ऐसे कर सकता हूँ। असल क्या में कहेंगे? ये इश्यू इसका आ जाता है ना कि आपके जो आई फ्रेम के अंदर कंटेंट आ रहा होता है वो दूसरी सर्विस का आ रहा होता है, तो उन्होंने जो हेडर में जो चीज़ डाली है वो तो फिर आएगी। अच्छा, मतलब उसको मूव नहीं कर सकते, जिससे कहना कि कहते हैं डब्ल्यू जो ये वाली वेबसाइट है उसको माइक्रोसॉफ्ट के अंदर डालते हैं। मैं चाहता हूँ ये ऊपर वाला जो टॉप वाले कुछ पिक्चर्स है वो ना नजर आ रहे हैं, मतलब उसको मूव नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है उसमें कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, तो ऐसे है कि इसको मैं अभी ट्राई कर लेता हूँ। यानी आप चाहते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये नज़र आए, यानी कि ये इसमें जो हेडर जो मेन्यू है और ये ऊपर सेक्शन जो आ रहा है W3 स्कूल, इसका लोगो ये नज़र ना आए, सीधा इसका कंटेंट नज़र आए, बस यही आप चाह रहे हैं ना। ये चलो, यानी कि मैं अगर हाईलाइट कर दूँ ना फिर आपको शायद ज़्यादा बेहतर समझ आएगी, यानी कि ये वाला एरिया नज़र आए, वो ऊपर वाला हिस्सा नज़र ना आए, ये वाला हिस्सा बिल्कुल इसी इस। तरह के साथ। अच्छा चलिए मैं इसमें ये कि ट्राई करते हैं, मैंने ऐसे काम ये किया हुआ नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ जावास्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें इसको एक्सेस कर सकते हैं आप, तो ये कि थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा, तो ये ट्राई करते हैं फिर यही इसमें। अगर मैं एक्सेस ना कर सकता हूँ, यानी मुझे पता नहीं है अंदर क्या क्या है, क्योंकि असल जो आईफोन के अंदर आ रहे हैं ना वो वैसे मेरे ख्याल से एक और चीज है जिसको विजुअल फोर्स पेज कहते हैं ना, मेरे ख्याल से उसके अंदर वो है। तो चले तैमूर मैं देखता हूँ इसमें हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कुछ ट्राई करता हूँ, इसको मैं 100% दे देता हूँ विड्थ, ये तो मैंने खैर विड्थ देनी थी 100%, वो मैंने हाइट दे दिया, लेकिन चले हाइट इसको मुझे कुछ वैल्यू मेरे ख्याल है देनी पड़ेगी, मेरे ख्याल है 500 पिक्सल, या ठीक है इतने भी, वो हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। सही है इसमें थोड़ा सर्च कर लेता हूँ मैं भी, HTML नेक्स्ट, ये तो कुछ और चीज़ है, स्क्रॉलिंग तो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है,
नहीं ये चीज़ नहीं चलेगी। आपने वैसे सर्च किया है कुछ इसमें? करना है क्योंकि सर मेरे मसले याद है कि जो भी बस एक विजुअल फोर्स का एक वोल्टेज आ रहा है उसके ऊपर एक वो क्यूरी का आ जाता है इंटर करने का ना, तो अगर उसके अंदर कोई भी क्लिक करे दोबारा जो कहता है तो मैं चाहता हूँ तो जो क्यूरी वाला हिस्सा है अगर मैं थोड़ा सा मूव कर सकता होता तो क्यूरी वाला हाइड हो जाता फिर वो एरर किसी को नजर ना आए। सही मेरे हिसाब से भी खर्च करना होती है। सही है। चले इस पे सर्च करता हूँ मैं। अगर ऑन लोड पे भी स्क्रॉल की शायद ऑप्शन देखिए मेरे ख्याल ये चीज़ तो ठीक है, हाइड कंटेंट इन साइड आई फ्रेम, ये इसमें आई एफ आई विच कोड बिलो, ठीक है जी, एंड आई हैव टेस्टेड विच हैज़ कोड बिलो। अच्छा उसमें तो चैट में कुछ भेजता हूँ मैं कर सकते पूरा इसमें इसमें मैं इतना फोन भेजता हूँ। मैंने भी ट्राई नहीं किया सबसे यार पूरा ये तो पूरे को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे को तो हाइड करने का मकसद ही नहीं है। मैंने आपको चैट में कुछ भेजा है अगर आप अच्छा देखना मैं चाहते हैं। एक मिनट देख लेता हूँ। अच्छा आपने ये क्या चीज़ है, ये लिंक ये वाली चेक करूँ? लिंक के और ऊपर मैंने वैसे ही कॉपी करके लिखा हुआ जो ऊपर उसमें लिखा हुआ था ऑन लोड पे ऑप्शन स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक। अच्छा मैं देखता हूँ ये। नहीं मैं कैसे हाइड तो नहीं करता लेकिन इसके और भी हिस्सा था कुछ यहाँ पे ये जो? ऊपर वाला नहीं है जहाँ पे आइटम शुरू हो रहे से बोला अच्छा बस इधर था। तक है। मैं फिर ये कि इसी इसी को इसी को इसी से स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। जो साइट की जगह ना यही कर देता हूँ क्योंकि बल्कि ये चीज़ सिर्फ ले लूँ। ये आपने ट्राई किया है या वैसे भी लिंक जी? देखा कहीं कर अच्छा कर अच्छा सही है कुछ सही है सही है पाकिस्तान लोगों ने अब कोड किया होगा। जी ठीक है। ये अब स्क्रॉल का फंक्शन भी लिखा होगा, बल्कि आपने जो बताया वो ये वाला लिंक है ऑन लोड स्क्रॉल 00। चले देखता हूँ मैं इसको रन करके, कुछ अंदाज़ा होगा। शायद जरूर जरूर को चेंज करना पड़े। वही दोनों को अगर 100 दे के देख लेते हैं कुछ अंदाज़ा हो जाएगा, या 10-10 ही कर दें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अगर स्क्रॉल हुआ तो समझ नहीं आएगी। नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा है ना? लगभग 100 रेड करता 100 करके देख लेता हूँ। 10 वैसे वाकई बहुत छोटा सा है, 100 पिक्सल्स ही होंगे गालबन। नहीं अच्छा जी विंडोज डॉट स्क्रोल, लेकिन ये हो सकता है ये उसमें फायरफॉक्स में शायद हो क्योंकि ये भी तो मैं चला रहा हूँ। चलिए मैं फायरफॉक्स में भी चेक कर लेता हूँ। फायरफॉक्स अच्छा इसमें वो ऑफिस की चीज़ें होंगी, इसको मैं फिर कर सकता हूँ।
मैं इसको नाम फिर मैं सोचा उसको इसमें ओपन करके देखता हूँ ना, स्क्रॉल का वो आइडिया हो जाएगा ना कि चलता है कि नहीं ना, क्योंकि बाद चीज़ें उसका जो लिंक है ना वो लग रहा था कि शायद इसमें चल जाएगा। नहीं तैमूर, इसमें भी कुछ भी नहीं हुआ। चले बहरहाल, इसके मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता हूँ, इसका मकसद क्या है। स्क्रॉल द वे टू पर्टिकुलर प्लेस इन द डॉक्यूमेंट। अच्छा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, अन क्लिक स्क्रॉल। लेकिन ये तो करंट पेज को स्क्रॉल करता होगा ना, ये तो इससे तो यही समझ आ रही है कि ये करंट पेज को स्क्रॉल करता होगा। जी, यहाँ पे बेशक हम 0 कर दें और इधर 500 होना चाहिए, लेकिन इतना ये। अच्छा चलिए, फिर पहले तो ये ना इसको हम चेक करें कि ये खुद भी स्क्रॉल यानी वो करता है कि नहीं। यानी एक तो ये ना कि टेस्ट करें ना ये स्क्रॉलिंग जो है वो काम भी करती है कि नहीं, वो अगली बात है कि फिर उस पर हम ट्राई करते हैं कि उसमें रन होती है कि नहीं। तो ये तो इसके भी लोड पे इसको स्क्रॉल करना चाहिए था नीचे, यानी ऐसे हो जाना चाहिए था, या ये कि हम यहाँ पे कोई डमी कंटेंट भी डाल दें तब शायद। ठहरे, हम वो भी कर देते हैं। आ, स्क्रॉल हुआ है, अब समझ आ रही है। ठीक है ठीक जी। है, नहीं, मैंने कहा स्क्रॉल तो हुआ है, लेकिन अब मैं देखते हैं कि ये उसमें भी कॉल, उसमें नहीं कॉल हो रहा, इसमें तो कॉल ही हुआ है, वो पता लगा है। अच्छा ठीक है, ये वाला चल रहा है और ये वाला नहीं चल रहा है, और ये मैं उसमें भी देख लूँ क्रोम में भी ये चलता है कि नहीं, क्योंकि कुछ ज़्यादा काम इसी में करना है। तो इसमें देखिए नहीं चल रहा है, इसका मतलब है कि ये फायरफॉक्स स्पेसिफिक है ना। ठीक इसमें यहाँ पे शायद उन्होंने मेंशन भी किया होगा, क्रोम में तो ये कह रहे हैं कि है, लेकिन ये चला तो नहीं है हमारे पास। जी, डॉक्यूमेंटेशन से तो लग रहा है कि ये चलना चाहिए, इसको फायरफॉक्स में तो है ही है, इसमें चलना चाहिए था। ऑन लोड, स्क्रॉल नहीं हो रहा। बहरहाल, इसको थोड़ा सा और ट्राई करते हैं, ये उसमें तो चल रहा है तो उसी में देखते हैं मज़ीद। अच्छा, उसमें हमने फिर ये एक्स्ट्रा ये नहीं डाला ना, देखें मिस्टेक एक ये भी है ना, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा वो डिटेल्स डाली है ना, इधर इधर हमने नहीं डाली, तो ये इसके ना चलने की वजह फिर समझ आ रही। देखिए ये हो रहा है स्क्रॉल, इसका मतलब है स्क्रॉल ये चल सकता है। ठहरे, फिर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यू कैन हैव द आई फ्रेम ऑफ द पेरेंट फ्रेम टू स्क्रॉल द टॉप वे, आई एम सर्च ऑफ योर पेरेंट डॉट लोकेशन।
नहीं पेरेंट को तो स्क्रॉल नहीं करना, बहरहाल इसको चेक करते हैं, ये कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन लग रहा है इसमें। इसमें लिखते हैं ना आई फ्रेम स्क्रोल कंटेंट, मेकिंग श्योर रिटर्न फ्रेम। तैमूर आपको आवाज आ रही है मेरी? तैमूर, ओ इंटरनेट इज नॉट वर्किंग। चले इंटरनेट इज गॉन। इंटरनेट इज बैक। जी मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, वो फिर इंटरनेट जो है ना वो चला गया था आराम करने। अच्छा जी, ऐसा आप कोशिश की था मैसेज करता। अच्छा स्क्रीन नज़र आ रही है? अच्छा, बट साहब ने भी ज्वाइन किया है आते। बट साहब, ये हम एक चीज़ फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देना, आई फ्रेम स्क्रॉल कंटेंट ये चेक करते हैं, अगर इससे रेलिवेंट कुछ मिल जाता है। स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई दैट वेदर स्क्रॉल, नहीं, ये तो कुछ और है ना, ये तो स्क्रॉल बार के साथ हमारी दिलचस्पी नहीं है। विद जावा स्क्रिप्ट ये चीज़ रिलेटेड लग रही है, तो ये हाइड कंटेंट वाला ये मैं बंद कर देता हूँ, जो आपने लिंक दिया था इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि इसमें इसके अलावा कुछ और ख़ास बात नहीं है, क्योंकि ठीक उस वाले जो यूआरएल है उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है ना, और हमारा मकसद भी फिर यही है। अच्छा जी, गेट एलिमेंट ऑन लोड कंटेंट विंडो स्क्रॉल टू। अच्छा, ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है, ऑन लोड अगर हम ये डायरेक्ट कर दें तो फिर इसको देखते हैं। दिस डॉट वो, क्योंकि खुद तो वो दिस होगा ना। अच्छा, ये फायरफॉक्स को मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि वो मुझे लग रहा था शायद चल नहीं रहा, लेकिन वो हमें अंदाज़ा हो गया कि वो चल रहा है, सिर्फ कंटेंट बीच में नहीं था तो हमें इसलिए नज़र नहीं आ रहा था। तो अभी इस वाले स्क्रॉल को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये पर चले पड़ा भी रहे अभी। यहाँ पे हम ऑन लोड पे इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे हम दिस लिखते हैं, दिस क्योंकि उसको स्पेसिफाई करेगा कि यही एलिमेंट दिस डॉट कंटेंट विंडो डॉट स्क्रॉल टू। एक्स हम कहते हैं 0 रहे, और ये हम चाहते हैं 100 पिक्सल भी शायद लिखना होगा या नहीं, क्योंकि हमने पहले तो नहीं लिखा वैसे। ऐसे एरर नहीं देता था पिक्सल के। हाँ, लेकिन वो स्क्रॉल नहीं हुआ, इसको फिर मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये फिर स्क्रॉल करता रहेगा तो हमें कन्फ्यूजन होगी। अच्छा, पिक्सल लिख देता हूँ, कैन चेक वर्किंग एग्जाम्पल हेयर। ये अच्छा, इसने नेक काम किया है।
इसमें मैं इसकी एग्जांपल एक नई टैब में खोल लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर यही है। इसको मेरे ख्याल में मैं बंद ही कर देता हूँ स्क्रोल। अच्छा, उसमें एक और चीज़ हम ट्राई कर सकते हैं, ये जो हम कर रहे हैं ना, इसमें स्क्रोल टू उन्होंने यूज़ किया ना, हमें सिर्फ स्क्रोल वाला भी ट्राई करते स्क्रोल हैं। के एक स्क्रोल टू है ना, मैंने कहा इसको भी हम ट्राई करके देख लेते हैं, सिर्फ स्क्रोल। अच्छा जी, इसकी स्क्रॉलिंग किधर हुई है? भाई साहब ने आई फ्रेम ये वाला यूज़ किया है, उसको आईडी दी है, और इस आईडी को अच्छा जावास्क्रिप्ट ही राइट साइड पे है, इसको गेट किया है, तो हमें तो कोई स्क्रॉलिंग इसकी समझ नहीं आई ना। रन विद जेएस, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मुझे लगता है वो उनका पेज जो है ना, वो ही उसकी छुट्टी हुई भी है। तो हम ये करते हैं कि W3 Stool ही इसमें डाल देते हैं, क्योंकि वो पेज ही नज़र नहीं आ रहा ना, जो इन्होंने यहाँ पे ये वाला जो लिंक दिया है ना, मुझे लगता है यही एक्सपायर हो गया है। लाइव प्रीव्यू, ये को बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तैमूर आवाज आ रही है? अरे अच्छा, बस आप साथ साथ यस नो कुछ करते रहें तो दिल दिल को तसली रहेगी ना, कोई कुछ आवाज जा रही है। अच्छा, इसमें तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करके देखता हूँ, लेकिन ये लोड नहीं करेगा फिर, या डायरेक्ट कर देगा, क्योंकि ये उसमें उस कह रहा था ना लाइव प्रीव्यू है, लोड ही नहीं कर रहा ये तो। चले, हम फिर ऐसे करते हैं कि अपने वाले पेज पे ये वाला कोड डाल के देखते हैं, ऐसे ही है फिर, क्योंकि यहाँ से तो ये चीज़ें नहीं हो रही, तो जिस तरह इसने आईडी दिया है, हम सेम यही आईडी वहाँ पे दे देते हैं। अगर मतलब इस तरह के जैसा मैंने आपको एक को भेजा है, मेरे ख्याल से ये क्या चीज है, एक मिनट, मैं मेरे भी जैसा ठीक ये आपका एक पढ़ो। दफ़ा ट्राई कर लेता हूँ ना, जो मेरे जहन में चीज़ आई है ना, वो चीज़ ट्राई कर लेता हूँ। और स्क्रिप्ट, अब देखना कोई मैं स्पेलिंग मिस्टेक शेक करूँ तो ध्यान करना है, अकेला नहीं छोड़ना है मुझे। अच्छा, और फिर इस चीज़ को मैं अभी वहाँ पे उन्होंने लिखा है, अच्छा वो उन्होंने मैन्युअली उसको ऑन लोड उसका फंक्शन वैसे दूसरी तरह से कॉल कर लिया है, इसका मतलब है कि इसमें यहाँ पे फिर ये देने की ज़रूरत नहीं है। सही, मैंने कहा यहाँ पे फिर ये देने की ज़रूरत, क्योंकि उन्होंने दूसरे तरीके से हैंडल किया है। स्क्रॉल हो गया तैमूर, तैमूर देख रहा हूँ, आपने देख लिया? अच्छा, फिर ये मैं इसको थोड़ा करके देखता हूँ, वो स्क्रॉल फिर हमने अपने हिसाब से करना है। ये मेरे ख्याल है 50 शायद काफ़ी होगा, नहीं
थोड़ा सा फिर डिले आता है, ये फिर इशू वाली बात है, जो करना वैसे लोड भी चाहिए। तो ट्राई कर रहा हूँ। आप भी करें अपने पास। अच्छा, अच्छा, तकरीबन ये तैमूर कह सकते हैं कि हो गया तकरीबन। ये कोड उसमें पेस्ट करूं? नहीं वैसे को मैं आपके बाद इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन नहीं चल रहा है। मैं ऐसे ना ये सारा कोड ना आपको इधर कमेंट में पेस्ट कर देता हूँ, यूज़ आपने करना है या नहीं करना वो चले अलग बात है। मैं उसको चेक कर लूंगा। और चल जाए तो मुझे मुझे फिर बताएं। क्योंकि हमारा जो ये डेवलपमेंट का काम है ना, वेब डेवलपमेंट, इसमें यही है, आपको कुछ चीज़ें आती होती हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं आती होती हैं, वो फिर लेकिन स्पेसिफिक हिट एंड ट्राई, वो वाली बात है। बंदा सर्च करता है, कुछ रेलिवेंट चीज़ मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। मैसेज नहीं आया पूरा? हाँ, ये पूरा नहीं आया मैसेज, वाकई सही कह रहे हैं। तो ये जो लास्ट पार्ट है ना, जहाँ तक हुआ है, ये पी वाला इतना है, वैसे है भी नहीं, ये बस आखिर वाला, जी, आखिर वाला जो हिस्सा है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। क्योंकि नज़र आ रहा है कि हो रहा है ना ये, हाँ बिल्कुल लेकिन इसमें जो 1-2 सेकंड का डिले है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। या एक वो कंटेंट हाइड वाला, आपको वो देख रहे थे, सवाल एक था, तो वो मुझे तैमूर लगता है कि वो बंदा भी यही चाह रहा होगा, इनिशियली जो लोड हो तो वो कंटेंट हिडन हो, तो बाद में फिर विजिबल हो। क्यों? उसका भी शायद यही मकसद हो कि वो कुछ नज़र ना आए शायद। तो वो तो हम, मेरे ख्याल है इनिशियली हम इसका स्टाइल, अगर अगर हम इनिशियली स्टाइल इसका हम अगर कर दें, डिस्प्ले नन कर दें, क्या कहते हैं, और फिर जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम बाद में इसको ऑन कर लें, क्यों? हो सकता है ना। मिसाल अच्छा के, अच्छा वो फिर जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, मतलब जिस तरह यहाँ पे पेज लोड हो रहा है, तो तब वो उसको डिस्प्ले जो है वो हम विजिबल कर दें। सही मतलब वैसे आपको एक आइडिया दे रहा हूँ ना, अब वो डायरेक्ट मुझे जहन में नहीं आ रहा कि जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखेंगे, उसमें भी शायद ऐसे ही लिखेंगे, मेरा ख्याल है कि दिस डॉट स्टाइल इज इक्वल टू, शायद इस तरह होगा। नहीं, ये गलत मैंने थोड़ा सा कर दिया। दिस डॉट स्टाइल इज इक्वल टू, ये फिर सिंगल कोट में लिख दूँ ये वाला, और ये डबल में इस तरह, दिस डॉट, नहीं स्टाइल नहीं, वो डायरेक्ट वैल्यू लिखनी होगी फिर। मैं तो कुछ और ही हो गया है ना, अच्छा मुझे तो कुछ और ही हो गया, स्क्रॉल भी नहीं हुआ साथ में। वो तो ये है कि हम इसमें देख सकते हैं कंसोल में कुछ शायद एरर आया हो। अच्छा, हिडन हुआ है थोड़ी सी देर के लिए। हिडन हुआ है लेकिन साथ ही विजिबल हो गया है वो।
ये वाला कोड फिर हम आप अपने पास आपका चल गया या नहीं? थ्री स्कूल्स में यस, और लेकिन लोकल? मेरे पेज पे नहीं, पता अच्छा, वो क्यों? नहीं जैसे वो स्कूल को रिकॉग्नाइज नहीं करता, करता नहीं है। अच्छा मैंने विजुअल फोर्स पेज को अच्छा ठहर, मैं अपने पास एक और चीज़ मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। असल में हम ना यहाँ पे डायरेक्ट ही कोशिश कर रहे हैं, हालांकि जावास्क्रिप्ट में ना काफ़ी इश्यूज होते हैं, ये एरर वगैरह ना बस उसके। एरर तो नहीं है क्योंकि वो टॉपिक्स के पहले मुझे सारे वो ऑप्शंस भी देता है ना, जिस तरह मैं जब वो कंटेंट विंडो खोलता हूँ उसके बाद फिर डॉट स्टोर टू के ऑप्शन भी अवेलेबल है, अंदर नंबर्स भी इंटर कर सकते हो और वो कुछ भी हो रहा बगैर किसी एरर के ना, फिर जब मैं उसको वहां पे जाके वो करता हूँ रिफ्रेश करता हूँ चेक करने के लिए होगा नहीं होगा तो वो उसमें नहीं कर रहा, शायद मैं उसको ऑन लोड पे उस पर चलेगा ऑन लोड पे भी डालता। आपकी जो जावा स्क्रिप्ट है वो इन लाइन है या वो फाइल के अंदर है? सेम पेज के ऊपर ही है। अच्छा, मतलब इन लाइन है, क्योंकि कैशिंग कैशिंग का भी इशू हो जाता है ना, अगर किसी एक्सटर्नल फाइल में है तो बाज़ुकात कैशिंग का भी इशू हो जाता है। आप या तो ये ना उसको प्राइवेट मोड में ओपन करके चेक करें, मे बी उस तरह हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ तो नहीं हुई, मेरे ख्याल था कि ये पेज लोड होगा तो तब वो उसका चेंज हम कर लेंगे। अच्छा, गलत किया है ना, मैंने एक और स्टेप बीच में मिस कर दिया है। देखिए, गलतियाँ हम करते हैं लेकिन गलतियाँ अपनी फाइंड आउट करना ज़्यादा अहम चीज़ है, तो ये वाले काम नहीं किया ना, ये वाला यहाँ पर करना चाहिए था ना उसको। अब यहाँ पर दिस वो गलत गलत मैं उसको कर रहा था, दिस को बाद में ही समझ रहे हैं। जी वैसे तो ये छोटी सी चीज़ है लेकिन गलती अपनी पकड़नी भी है मैं ना, लेकिन ये वैसे नहीं हो रहा जिस तरह अब हम चाह रहे हैं ना, वैसे नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ ना, ये डिस्प्ले हो जाए लोड पे और उसके स्क्रॉल स्क्रॉल वाला रुक गया, स्क्रॉल वाला नहीं हो रहा। बहरहाल अब देखता हूँ स्क्रॉल वाला क्यों रुक गया है, पहले तो स्क्रॉल हुआ है वो, उस वक्त हमने खुद चेक किया है। अच्छा, अब ये स्क्रिप्ट डिस्प्ले नॉन वाला भी ख़त्म करूँ। अब स्क्रॉल हो रहा है, लगते वैसे कभी स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा देखना चाहते हैं। मैं देखना चाहूँगा लेकिन फिर ये आपको पता है वीडियो मैंने अपलोड भी करनी है, बस ये ज़हन में रखें। ऐसी चीज नई सामने खोली थी जिससे मुझे भी प्रॉब्लम हो शेयर करते अच्छा चलो हैं। ठीक है, फिर आप शेयर करें तो जी। तैमूर कर दिया शेयर? बस अभी से अपने इधर डेस्कटॉप में चूज करना है कौन सी वर्क करना है। सिर्फ ये सोचो मैं कौन सी स्क्रीन अभी आपको नजर आ रही है। स्क्रीन आपकी अभी वैसे नज़र आनी शुरू नहीं हुई। योर स्क्रीन इज स्टिल विजिबल टू अदर्स, क्लिक टू कैंसिल। अच्छा, लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ ये रिज्यूम योर प्रेजेंटेशन। मेरी स्क्रीन शायद ऑफ हो गई है। नहीं अभी तक तो नजर आती है, लेकिन शायद मेन प्रेजेंटर के तौर पे नजर आती है। नहीं, मेरे मेरे मेरी आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, जैसे कि मैंने ये एडिटर खोला हाँ हुआ है। नजर आ रही है। यू आर
नो लेकिन लॉन्गर वो दूसरा प्रेजेंटर के तौर पे नहीं आते। प्रेजेंटर के तौर पे नहीं आ रही, फिर किस तरह आ रही है? एनिवर्सरी साइट वैसे भी अपना शुरू हो रहा है। अच्छा अभी अच्छा आपकी अभी स्क्रीन नज़र आनी शुरू हो गई है तैमूर, अभी मैं इसको मॉनिटर पड़ा हुआ है, यानी ये कार्यक्रम है ठीक है, जिसके ऊपर ये ऑन रोड फंक्शन डला हुआ है, जहाँ पे फिर वो सुपर पैरामीटर्स पास कर देते हैं, तो पोस्ट मैसेज के थ्रू उस आई फ्रेम के अंदर उसको पॉपुलेट कर देता है ना, पहले उसको अच्छा एक मिनट मुझे ज़रा देखने दे, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, मैं फिर वो हो रहा हूँ कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ उससे, आप बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा आप उसमें पोस्ट मैसेजेस कर रहे हैं और कंटेंट विंडो स्क्रॉल टू, अच्छा ये जो आप जो बीच में पोस्ट मैसेज भेज रहे हैं, ये मेरे ख्याल पुश नोटिफिकेशन इस टाइप की ये चीज़ है ना तैमूर, इसको कमेंट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए? ऊपर नहीं इस लाइन को जी, मैंने कहा ये जो वेब ऐप है उसको आप कुछ मैसेज नोटिफिकेशन जिस तरह भेजते हैं उस टाइप की कुछ चीज़ भेज रहे हैं ना? वो फिर वापस एक पेज भेजता है ना, जिसको मैं वो डिस्प्ले खोल रहा हूँ, तो मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पे कोड को चेंज कर देता हूँ ना, जिस तरह जो आपने मुझे भेजा हुआ था क्योंकि यहाँ पे देखें अभी मैं हमने एक छोटा सा कोड और लिखा है ना उसमें जावास्क्रिप्ट का, तो वो उसने स्क्रॉल करना छोड़ दिया था, नोट किया ना आपने? लेकिन पहले तो देखें ना स्क्रॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ चेक करें ना। हाँ चलिए ऐसे कर लें, अपनी जो उसको छोड़ के अभी इसी को ट्राई कर लें। मैं कहाँ से अंडरस्टैंडिंग कर लेके वो जो नहीं नजर आ रहा, शायद उसको परमिशन नहीं है, मगर फिर भी इसको अगर दिखा नहीं सकते, इस पे स्टोर नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको लोड करता हूँ, टाइप चेंज हो सकता है कि मैं किसी ऑप्शन ना हो यहाँ पे, जिसको ना करने देता उसको। कुछ आइडिया नहीं अब समझ आ रहा, लेकिन वैसे अगर आप सिंपल फाइल बना के करें तो उस तरह भी नहीं हो रहा? अगर ये स्क्रॉल वाला ख़त्म कर दें, स्क्रॉल अभी बेशक हटा दें उसको, ये आई फ्रेम के अंदर ये W3 स्कूल तो नज़र आना चाहिए था ना, ये क्यों नहीं नज़र आया? ठीक अगर ये हम स्क्रॉल को अभी छोड़ भी दें, W3 स्कूल तो नज़र आना चाहिए था ना उसके अंदर। चूंकि मतलब इनकी अपनी कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इस वजह से। वैसे मैं उसको चेक करता हूँ, वो आइडिया तो अच्छा ना, मैं उससे कम से कम थोड़ा बहुत है पता तो है ना कि ऑप्शन अवेलेबल तो है ना, तो मैं उसको चेक कर लेता हूँ, मैं उसको कैसे कर चले सही सकता है, आप बेशक स्क्रीन शेयरिंग ख़त्म कर दें और मैं वापस अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मुझे ये कंफर्म कर दें स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है, हूँ। आने वाली है, आ आने वाली रही है, है, अभी अभी आ रही है। अरे अच्छा मुझे वो वैसे यहाँ पे वो इस तरह होता है ना कि
हाँ ऐसे है कि ये इस तरह जैसे नज़र आती है ना विंडो के अंदर, विंडो इस तरह नज़र नहीं आ रही थी वो, मुझे लग रहा था शायद ये डिस्प्ले नहीं आ रहा। अच्छा ये इस बटन से ये चेंज हो रही है, पिन टू स्क्रीन। और अच्छा आते भाई भी शायद आए हैं और फिर गए हैं और फिर वापस आए हैं। चले तैमूर फिर इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये हो सकता है अगर हम ट्राई करें तो कुछ इसमें काम हो सकता है। अच्छा उसको मुझे बंद नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो वहीं से नहीं, बल्कि चले मैं दोबारा से ही खोलता हूँ। तो आते भाई कोई सवाल है? आते भाई आपको आवाज़ आ रही है? आते भाई हेलो, आतिफ शहजाद भट्ट साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ तो मेरी आनी चाहिए। आपकी आवाज मेरे उधर तो ठीक है वैसे। हाँ अच्छा या फिर वो दोबारा ऑफलाइन हो गए होंगे। बहरहाल चलें हम ये कि जिस तरह मैंने कहा था कि ये हम शुरू करेंगे। अच्छा, आते भाई ने वो मैसेज किया वो सुन रहे हैं। जी जी वो ठीक है, वो लिसनिंग मोड में है। चलें ठीक है, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना ये कि हमने जो नॉर्मल ये फ्लो में लास्ट टाइम भी हमने ये शुरू किया था तो हमने यहाँ तक कर लिया था एट्रीब्यूट्स तक, तो इसको अभी हम गो थ्रू करते हैं। ठीक है सही है, तो ये बिल्कुल है बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन इसको गो थ्रू करने से ये होगा कि जो फॉलो करना चाहते हैं और सेशन ज्वाइन नहीं करना कर सकते, वीडियो बाद में देखते हैं तो बहरहाल उसमें उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो जैसे कि हम ये शुरू से करके आ रहे हैं, तो टैग में फिर एक हेडिंग के टैग हैं, तो इसमें ये आपके लेवल्स हैं हेडिंग के। तो हेडिंग जो हैं वैसे पेज डिस्प्ले के हिसाब से भी अहम है कि आपको विजुअली अच्छा लगता है अगर टेक्स्ट बीच में आप पैराग्राफ्स लिखते हैं फिर हेडिंग करते हैं उसकी लेवलिंग करते हैं, और अच्छी बात है। और इसके अलावा जो अच्छी बात यह है कि आपके जो सर्च इंजन हैं वो भी इनको अहमियत देते हैं। तो जैसे हेडिंग वन है तो उसको समझ आती है कि ये आपके मेन मेन इसमें कंटेंट क्या है, तो आपको हेडिंग्स देनी चाहिए। और इसमें कोई ख़ास बात होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि बताऊँगा। ये आपके दो तरह के टैग्स होते हैं, एक ब्लॉक लेवल होते हैं और एक इन लाइन होते हैं। तो जो ये वाले जो हेडिंग का टैग है ये ब्लॉक लेवल है, तो ब्लॉक लेवल में ये होता है कि आपका जो टैग स्टार्ट होता है तो आप समझें कि वो न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, और जो एंड होता है तो वहाँ पे भी वो न्यू लाइन का मार्क डाल देता है ताकि नेक्स्ट जो भी एलिमेंट आए वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा। तो वो अगर हम प्रोग्रामिंग, अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी भी है तो हम उसमें बैक स्लैश एन इस्तेमाल करते हैं न्यू लाइन के लिए। तो आप यही समझें कि जो हेडिंग के टैग है इसके शुरू में भी बैक स्लैश एन लगा हुआ है और आखिर में भी लगा हुआ है, तो इस वजह से ये कंटेंट एलिमेंट जो है एक नई लाइन पे ही डिस्प्ले होता है और इसके बाद जो एलिमेंट है वो भी नई लाइन पे ही आएगा। अच्छा ये सर्च इंजन वाली बात ये भी इन्होंने भी मेंशन कर दी है। तो स्ट्रक्चर आपको अपना बनाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं ना कि आपको ये बिग और बोल्ड, मतलब इस मकसद के लिए नहीं करना चाहिए, आपको प्रॉपर हेडिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। और बाकी जो आपने स्टाइलिंग करनी है वो आप कोशिश करें कि वो CSS से करें, बजाय इसके कि जो पुराने वक्तों में पहले शुरू के वक्त में जो आपके स्टाइलिंग थी वो टैग्स के ज़रिए भी की जाती थी, जैसे बोल्ड इटैलिक के टैग थे। तो अभी जो है स्टाइलिंग अगर आपने करनी है एलिमेंट्स की तो वो फिर आप CSS से ही करें।
जैसे यहाँ पे अब इन्होंने इनलाइन स्टाइल यूज़ किया है, यानी अगर आपकी हेडिंग जो डिफ़ॉल्ट हेडिंग है वो अगर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, उसका साइज़ आपको लगता है कि वो कम है, तो आप स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करके इनलाइन CSS इस्तेमाल करके आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। तो एक्सरसाइज आप बीच बीच में आएंगे, ये आप एक्सरसाइजेस करें ज़रूर। तो चले मैं भी कर देता हूँ ठीक। और ये जैसे कि हमें पता है कि क्लोजिंग भी उसी तरह स्लैश डाल के क्लोजिंग की जाती है। सही है। अभी हम ये कि इसमें ज़्यादा डिटेल में चीज़ें देखनी हो तो रेफरेंस आप देख सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम सिर्फ गो थ्रू करें इनको, और कोई अगर हमें ज्वाइन करता है तो फिर हम, जो हमारा मेन मकसद है वो यही है कि हम प्रॉब्लम और सॉल्यूशन जो है ना उस पे फोकस करें। तो जब ये चीज़ नहीं है तो फिर हम इसको गो थ्रू करेंगे। अच्छा, जिस तरह हमने अभी हेडिंग पढ़ी है उसी तरह पैराग्राफ का भी टैग है पी के नाम से, और ये भी ब्लॉक लेवल है, यानी न्यू लाइन से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट एलिमेंट भी न्यू लाइन पे ही होगा। तो आपने जो टेक्स्ट वगैरह लिखना है वो आपने पैराग्राफ जो टैग है इसमें लिखना है। अच्छा, एक चीज़ ये होती है कि हम तो टैग्स यूज़ करते हैं, इसमें स्टाइल मेंशन नहीं करते, तो हमें श्योरिटी नहीं होती कि एक जो ब्राउज़र है वो किस तरह उसको दिखाएगा, दूसरा ब्राउज़र किस तरह दिखाएगा, वो छोटे डिफरेंस ऐसे हो सकते हैं। तो फिर बेहतर ये कि आप अपने जो स्टाइल है वो हर चीज़ का खुद मेंशन करें, ताकि उसमें कोई शको शुबा न रहे। अच्छा, एक तो इसमें यह जैसे हम देखें पैराग्राफ इस तरह लिखा है तो बज़ाहिर हमें समझ आती है कि शायद डिस्प्ले टेक्स्ट भी ऐसे ही होगा, और इसमें स्पेसेस है तो स्पेसेस भी आएंगी, लेकिन इस तरह नहीं होता है। आपकी जो न्यू लाइन, अगर आपने यहाँ पे जैसे न्यू लाइन में लिखा है वो न्यू लाइन में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक कि आप न्यू लाइन का टैग br टैग नहीं यूज़ करते। उस तरह स्पेसेस आप फालतू इस तरह देंगे, वहाँ पे स्पेसेस आपको रेंडरिंग में नज़र नहीं आएंगी। तो एक्स्ट्रा स्पेस देने के लिए फिर आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा, और वरना ये कि अगर आपके एलिमेंट के राइट लेफ्ट स्पेसेस चाहिए फिर तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि स्टाइलिंग से ही उसको हल करना चाहिए। तो अगर आपको एक लंबी सी लाइन अगर चाहिए डिवीजन करने के लिए तो आप ये HR का हॉरिजेंटल रूलर का टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ऊपर भी ये बता रहे थे कि लाइंस उनको चाहिए थी, लेकिन ये हमें पता है कि ये इस तरह डिस्प्ले नहीं करेगा, तो आपको न्यू लाइन इस्तेमाल करनी है तो फिर br का टैग इस्तेमाल करेंगे, और इसका क्लोजिंग टैग साथ नहीं होता है, ये सिंगल टैग ही होता है। जितनी दफ़ा आपको ब्रेक चाहिए, न्यू लाइन चाहिए, तो आप यहाँ पे br इस्तेमाल करते रहें। तो अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं फिर कोशिश करता हूँ कि इस तरह इसको नई लाइन पे शिफ्ट भी कर देता हूँ, कि वो विजुअली मुझे फिर पता भी लगता है कि ये वाकई नई लाइन पे होगा। लेकिन ये हम पहले देख चुके हैं कि अगर हम इनको ख़त्म करेंगे तो फिर ये न्यू लाइन पे नहीं जाएगा। तो बाद लोग इस तरह पूरी अपनी पोएम या जो भी वो लिख लेते हैं, और फिर वो जब इसको रेंडर करते हैं तो ये तो एक लाइन में ही इसको कर देता है। तो ऐसे आपका नहीं होगा, आपको br या वो स्पेसेस वगैरह देनी पड़ेंगी। तो एक इसका हल ये है कि इस तरह की आपके पास चीज़ आ जाए तो फिर आप प्री का टैग यूज़ कर सकते हैं।
तो इसका ये है कि प्री फॉर्मेटेड इसका मकसद है। तो ये कि फिर एज इट इज़ आपको दिखा देगा, जैसे जैसे स्पेसेस हैं, जैसे जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं, तो ये आपका सारा का सारा तकरीबन वैसे ही नज़र आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइजेस बहरहाल ये करनी चाहिए, इसमें आपके टेस्टिंग हो जाती है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक आप टेक्स्ट लिखें, हेलो वर्ल्ड, और इसको पैराग्राफ के अंदर लिखें। तो हमने पूरा लिख दिया है, सबमिट आंसर किया है, फिर सबमिट किया। तो ये आप अपने वेरीफाई साथ साथ करते रहें, डरने की ज़रूरत नहीं होती, गलतियाँ होती हैं। असल चीज़ ये है कि आपको अपनी गलती जो है ना उसको ढूंढने का आपको प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि आप अपनी गलती अगर निकाल सकते हैं तो फिर आप उसको फिक्स भी कर सकते हैं और आगे और काम कर सकते हैं। तो इसी तरह ये अगर आप इन डिटेल इनको देखना चाहते हैं, तो ये रेफरेंसेस के पेजेस हैं। यहाँ पे बाज़ अवक़ात हमें इन डिटेल देखने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर हमें पता होना चाहिए। अब ये हर टैग को इन्होंने इन डिटेल भी बताया है, कौन सा ब्राउज़र सपोर्ट करता है, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, इवेंट क्या है, एग्जाम्पल्स और इन्होंने दी हुई हैं। इस तरह आमतौर पर डिफ़ॉल्ट जो CSS है वो इस तरह की मोस्टली होती है। तो हम नेक्स्ट जाते हैं चैप्टर पे, क्योंकि हमारा मकसद है इसको गो थ्रू करना है। तो अभी आ जाता है स्टाइल का टैग। तो स्टाइल हम CSS जो है वो दो तीन तरीकों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हम तरीका पीछे हम देख चुके हैं कि जो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तो कि एक होता है स्टाइल का एट्रीब्यूट होता है, एक स्टाइल का टैग होता है। तो अभी हम ये पढ़ने जा रहे हैं स्टाइल टैग, नहीं बल्कि यहाँ पे जो इन्होंने शुरू किया है ये पहले एट्रीब्यूट से किया है। तो यहाँ पे टैग का नाम आएगा जो भी है, स्टाइल का एट्रीब्यूट आएगा और उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू, ये कम्बिनेशन है, और साथ सेमी कॉलन, ये फिर एक से ज़्यादा भी आप दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि विजुअली आप ये बैकग्राउंड चेंज करके चीज़ें चेक करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। बाज़ अवक़ात आप वेट दे रहे होते हैं और बैकग्राउंड अगर आपने नहीं दिया हुआ तो आपको पता नहीं लगता है कि वो वेट असल में तब्दील हो रही है कि नहीं हो रही। एक हेडिंग को अलग से कलर दिया है, दूसरी को अलग से दिया है, और ये हम देख सकते हैं कि बीच में इसके स्पेसिंग होती है बाय डिफ़ॉल्ट। और टेक्स्ट कलर अगर आपने तब्दील करना है तो उसकी प्रॉपर्टी कलर के नाम से है, दूसरी थी बैक ग्राउंड डैश कलर। अगर सिर्फ कलर करना है तो फिर ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ये बैकग्राउंड डैश कलर, और टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो कलर सिर्फ। फिर फॉन्ट चेंज करना एक अहम चीज़ है, तो इसके लिए फॉन्ट फैमिली के नाम से प्रॉपर्टी है, और आगे फॉन्ट का नाम आप दे दें। कुछ फॉन्ट्स जो हैं वो आपको बिल्ड इन होते हैं ब्राउज़र में, तकरीबन सब में होते हैं, और वरना अगर आपने अपने फॉन्ट इस्तेमाल किए हैं तो वो उसको पहले आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, या अगर वेब फॉन्ट भी आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी आपको पहले इंक्लूड करने पड़ेंगे ऊपर हेड सेक्शन में, तो फिर आप उनको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं उनका नाम लिख के। वो शायद आगे आएगा फॉन्ट्स का चैप्टर। शायद नहीं है, लेकिन शायद होगा वेब फॉन्ट्स। चलें ये नहीं भी है तो फिर अगर याद रहा तो हम खुद इसमें देख लेंगे। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी है इसी तरह, जिस तरह फॉन्ट डैश फैमिली के नाम से प्रॉपर्टी है, और एक और प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज़। तो यहाँ पे आप दो तीन तरीके से वैल्यूज़ दे सकते हैं, परसेंटेजेस में भी दे सकते हैं और फिक्स आप वैल्यू भी दे सकते हैं।
जैसे कि मैं यहाँ पे पिक्सल में दे दूँ, पिक्सल में शायद पहले भी किधर हमने ये इस्तेमाल की, अभी शुरू में टेक्स अलाइन बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट होता है लाइन, और सेंटर अप कर सकते हैं और दूसरे राइट कर सकते हैं। और जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं उनके अंदर ही आपका ये टेक्स्ट लाइन चलेगा। बैकग्राउंड कलर्स अलाइन, सेट द कलर ऑफ पैराग्राफ टू ब्लू। तो यहाँ पे हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे स्टाइल का, और यूज़ द करेक्ट एचटीएमएल एट्रीब्यूट एंड सीएसएस टू सेट द कलर ऑफ पैराग्राफ टू। तो टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो फिर हमें सिर्फ कलर ब्लू और सेमी कॉलन, अच्छा चलो वो पहले लिखा हुआ है, सबमिट आंसर करें, और गलत हो जाए तो परेशान नहीं होना, उसको फिर से आप देखें, रिव्यू करें चैप्टर को, कुछ ना कुछ आप गलती, बिल्कुल जी जी हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ गलती आप करते हैं तो फिर तभी चाहिए रिजल्ट नहीं आता। आप गालबन आते भाई माइक वगैरह सेट कर रहे थे, आमिर भाई, बस वो उसमें प्रॉब्लम आ रहा था माइक में, तो बस नहीं वो सेटिंग हो रही थी, वो फिर मैंने दूसरी जगह सेट की भी। अभी आप दो जगह से ऑनलाइन हैं, ये क्या वजह है? देखा नहीं, ये टेक्निक अच्छा चले सही है, चले हम दो इसमें, लैपटॉप पे आना चाहिए, हाँ जी दो लैपटॉप पे आना चाहिए, हाँ उसमें ठीक क्या है सही प्रॉब्लम है आती है। सही है। तो अभी हम फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, इसमें ये एक लर्निंग करनी है तो आपको खुद से चीज़ें टाइप करने की, एक्सपेरिमेंट करने की आदत डालनी होगी। तो सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ें और बस पढ़ते रहें, यानी आप खुद से चीज़ें लिखें भी, तजर्बा करें, गलतियाँ करें, गलतियाँ करेंगे तो फिर तभी आपको पता लगता है कि आपने गलती की है, कुछ गलत किया है, तो तभी चीज़ें नहीं चल रही वैसे जैसे कि चलनी चाहिए। अच्छा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यहाँ पे हमारे पास कुछ टैग्स भी हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के, लेकिन जो रिकमेंडेड वे है वो यही है कि आप स्टाइलिंग सारी सीएसएस से करें। लेकिन ये हम पढ़ते इसलिए हैं कि पता होना चाहिए किधर ज़रूरत पड़ जाती है, या कोई पुराना कोड है, कोई सन 2000 में किसी ने लिखा है वो इस तरह का कोड, वो आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। तो बी जो आपका वो बोल्ड करने के लिए है, इसी तरह स्ट्रॉन्ग भी है, तो इसको आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप पैराग्राफ के अंदर मतलब अपना शो करना चाहते हैं एसईओ के लिए, तो उसके लिए इसको किया जा सकता है इस्तेमाल। इटैलिक के लिए आई है, और ई एम एम्फेसिस, मतलब इन पे मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता, इटैलिक ही होगा स्मॉल में थोड़ा सा छोटा, ये वैसे मैं यूज़ करता हूँ ये वाला टैग ना, अगर इसी तरह टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा ले नज़र कराना है तो कर सकते हैं। दूसरा यही कि आप उसका फॉन्ट साइज़ छोटा कर सकते हैं। मार्क से इस तरह मार्क हो के आ रहा है, जिस तरह आपने मार्कर से उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसका यही कि आपने कोई सेंटेंस लिखा है, बाद में आपको और कोई बेहतर उसमें आ जाता है, तो आप शो करना चाहते हैं कि पहले आपने ये सोचा था, जो पढ़ने वाले हैं उनको दिखाने के लिए कि पहले आपने ये सोचा था फिर ये कर दिया है। तो ये एक तरीका है उसको, टैग है डेल का, यानी आपने डिलीट कर दिया जो लिखा था, सिर्फ शो करने के लिए कि आपने पहले कुछ लिखा हुआ था। और ये इंसर्ट कर दिया है, वो पहले रिमूव किया है, पर ये चीज़ें मैं तो बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, ये टैग नहीं यूज़ करता।
ये बीच में ज़रूरत पड़ जाते हैं सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, तो सुपर स्क्रिप्ट में वो ऊपर आ जाता है, इक्वेशंस लिखनी है तब ज़रूरत पड़ जाती है इसकी। टेस्ट योर एक्सपर्टीज़, ये आप ज़रूर टेस्ट करें जी, और गलतियाँ होती हैं तब फिर भी करें। एड एन इम्पोर्टेंस टू द वर्ड डेलीगेशन इन द पैराग्राफ बिलो। तो यहाँ पे हम ईएम का टैग यूज़ करेंगे और मैं आमतौर पर कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि लिखने में गलती ना हो। ओ अब देखें इसमें कुछ समझने में गलती हुई है। एड एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस टू द वर्ड डेलीगेशन इन द पैराग्राफ बिलो। अब मैंने या तो टैग गलत लिखा है स्ट्रॉन्ग भी यूज़ हो सकता था, तो हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग मैं यूज़ स्ट्रॉन्ग यूज़ कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग जी वो मैंने कहा वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता था, तो यहाँ पे क्योंकि इन्होंने शायद हार्ड कोड किया होंगी चीज़ें कुछ किसी एक के लिए तो फिर वो नहीं आया, तो फिर इनको लगाया गलत है। बाज़ वक़्त एक से ज़्यादा जवाब होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इनकी टेस्टिंग के लिए पीछे देखें कोई इन्होंने भी सर्वर लैंग्वेज इस्तेमाल की है तो उसमें गलती हो सकती है। बहरहाल इसको मैं क्लोज करता हूँ। आते भाई वैसे ये काफ़ी सेशन ये वाला होता है बोरिंग है, ये रीडिंग करना रीडिंग करना। आप समझा ना, ये आप मुझे थोड़ा पहले बता दिया करें ना, मेरे पास ग्रुप्स हैं मैं उनमें शेयर कर दूंगा ना, तो फिर वो स्टूडेंट वहां से आ जाएंगे मुझे। आते भाई ऐसे है कि जो मैंने ये व्हाट्सएप पे शेयर किया है ना लिंक, तो यही होगा जो हम ज्वाइन करते हैं ना, यही कोड ये होगा। ये कोड आप ऐसे भी लिख जी सकते ठीक हैं है, मुझे डैश। पता आप मुझे मतलब मुझे पता नहीं चला ना कि वो अच्छा, मैं स्टेटस में देखता नहीं हूँ ना अच्छा सही कम, है मतलब देखता हूँ लेकिन नाम से, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देते तो सही सही है होता। मैं वो शेयर कर रहा था ग्रुप में काफी 100 से ऊपर स्टूडेंट है, तो फिर वो आपको फायदा हो जाता है, सही सेशन बन जाता है। हाँ, अगर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम जी, क्योंकि यहाँ पे इसी मकसद के लिए ये टाइम निकाला है कि अगर किसी को कोई इश्यूज हैं तो भला हो जाए। मैं दूसरे वाले से कह रहा था कि थोड़ा ठीक सा है बोरिंग है कि ठीक रीडिंग ये, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें हैं ना ये, पढ़ के मतलब बोर होता है। फिर आप जब थोड़ा सा कुछ आपका वो जो ट्रांजिशन ट्रांजिशन होती है ना, आप बिगनर से एक्सपर्ट लेवल की तरफ या प्रोफेशनल प्रो की तरफ जाते हैं, वो फिर मज़े का टाइम होता है ना। यस तो इसमें तो बहुत सारी फिर ऐसी चीज़ें हैं कि हम इस्तेमाल भी नहीं करते। ब्लॉक कोड ये वैसे इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मैंने कम ही किया है इसको इस्तेमाल। बाकी मैं इसको सरसरी तौर पे इसलिए गुजर रहा हूँ कि ये तकरीबन पैटर्न एक जैसे ही है। टैग जैसे हमें पता है सिंटैक्स का, ये स्टार्ट में ब्रैकेट होगी, क्लोजिंग होगी, टैग का नाम होगा, फिर टैग क्लोज करना है, ये ऑलमोस्ट ऐसे ही है। तो अब इसमें थोड़ा सा इसमें चलिए विजुअली फ़र्क आ रहा है कि ये जैसे स्पेसिंग आ गई है, और शॉर्ट क्यू से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एब्रिवेशन है तो उसके लिए ऐसे लिख सकते हैं। ये चलें ये थोड़ा सा इसमें अहमियत है कि आप इस पे एरो लेके जाएं तो ये बता देता है कि क्या चीज़ है ये। अंडरलाइन भी हल्का हल्का सा किया हुआ, पता लग रहा है ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। तो वैसे आप ये टाइटल का जो एट्रीब्यूट है ये आप किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, पी के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ये गलबन जो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हैं ना यूसी में है, ये किसी भी टैग में इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरह। अच्छा ये टैग्स की मतलब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि इतनी अहमियत नहीं है क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन इनकी एक और हिसाब से अहमियत है। बीच बीच में मैं भाई सर्च समझ इंजन के गई, हिसाब से इनकी अहमियत है ये। जी बोलें
जी, ये टाइटल का देखें एट्रीब्यूट है, ये आप किधर भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी भी टैग के अंदर, क्योंकि एट्रीब्यूट है ना किसी टैग में। जैसे अब यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं इसमें कुछ चेंज कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे एंट्रो फॉर WHO। तो इसको अब मैं रन करूँगा, तो अब जब मैं इस पैराग्राफ के ऊपर एरो लेके जाऊँगा तो ये मुझे नज़र आएगा, ठीक है, और इसके ऊपर एरो लेके जाऊँगा तो फिर इसका वाला नज़र आएगा, तो इसके ऊपर नहीं है तो ये नज़र नहीं आएगा। इस तरह आप बटन्स हैं उसके ऊपर लेके आ सकते हैं। ये मुझे नहीं पता, ये मुझे समझ नहीं थी। मुझे टाइटल का टैग पता था, टाइटल का टैग वो जो आपके ऊपर हेडिंग आ रही होती है ना, जो टैग के ऊपर एक्सप्लोरर में, वो मुझे पता था। ये सही समझ नहीं आई, कल भी आप मुझे कहा था ये। अच्छा, आते भी इसमें अच्छी बात यह है ना कि बाज़ औक़ात आपका ये होता है कि आपके पास जगह थोड़ी होती है, तो आप ये कर सकते हैं कि वहाँ पे मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया या समथिंग, और साथ में आप ये कर सकते हैं कि ये टाइटल में ये लिख दें, फिर ये एरो कोई बंदा वहाँ पे लेके जाता है तो वो डिटेल्स फिर वो आ जाएंगे। ठीक तो ये एड्रेस वाले जो है ना, ये मैं इसलिए कह रहा था कि ये जो टैग्स हैं, ये इनकी अहमियत SEO के हिसाब से हो सकती है, क्योंकि वो तो स्कैन करता है पेज को, तो वो उसको लगेगा एड्रेस है, जिस तरह कॉन्टैक्ट का पेज है वहाँ पे एड्रेस है, तो उसके लिए ये ज़्यादा अच्छा है, तो ये इस्तेमाल करने चाहिए। और साइटेशन, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इसमें वो इटैलिक हो गया, लेकिन ये ठीक है, इसमें SEO के हिसाब से, सेमेंटिक्स के हिसाब से है ये, मतलब एक होता है सेंटिक्स होता है, एग्जैक्ट आपने लिखना होता है, एक होता है सेमेंटिक्स होते हैं, यानी फिजिकली वो कुछ चेंज नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह सर्च इंजन स्कैन करता है पेज तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। ठीक अब ये वाला ज़रा देखें, ये उल्टा मतलब लिखने के लिए ना, BDO राइट टू लेफ्ट यहाँ से शुरू हो रहा है ये, TH दिस, मतलब वो इस तरह उल्टा करके। अब ये पता नहीं किस सिचुएशन में ज़रूरत पड़ती होगी इसको इस्तेमाल करने की। क्यों जी आते भाई, कोई जहन में आती है कोई सिचुएशन? अगर भाई यही होता था कि किसी को आपने कोड भिजवाना है पर्सनल, तो आप लिखेंगे कि यार ये मैं भेज रहा हूँ, तो उल्टा लिखने में टाइम लगता है, सीधा लेके आप उल्टा करेंगे, वो अपने दोबारा उसको लेफ्ट राइट करेगा, ठीक सीधा हो जाएगा। सही बात है, ये हो सकता है, चले पॉसिबल। अच्छा जी, एक्सरसाइज आ गई है, फिर ट्राई करते हैं जी। यूज़ एन HTML एलिमेंट टू ऐड कोटेशन मार्क अराउंड द लेटर कूल। तो मैं तो क्यू वाला यूज़ करूँगा, लेकिन शायद ये ब्लॉक कोट इस्तेमाल करें तो हो सकता है फिर ये भी गलत हो जाए। अच्छा नहीं, ये कोटेशन है, कोटेशन क्यों से होगा? नहीं, ये कुछ और पूछ रहे हैं, ये कोटेशन मार्क का यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया है? वो क्यों बोला है नंबर? नहीं, वो तो अच्छा क्यों, अच्छा फिर मैंने उसको फिर गलत अंडरस्टैंड किया है। ये लिखा है शॉर्ट कोटेशन। फिर मैंने इसको गलत अंडरस्टैंड किया, ये तो कोटेशन के लिए था, मैं इसको ब्लॉक कोट समझ रहा था, मैं इसको इसके साथ रिलेट कर रहा था, लेकिन वही बात है कि ये हम इस्तेमाल करते नहीं हैं, तो अभी मैं लिख ठीक रहा था लेकिन समझ गलत रहा था उसको, क्योंकि मैं कुछ और हिसाब ठीक से इसको समझ रहा था। बहरहाल ये इन्फॉर्मेशन आपकी जितनी अच्छी होगी आप फिर उतना अच्छा पेज लिख सकेंगे, सिंपल सी ये बात है। अच्छा, ये प्रोग्रामिंग के हिसाब से कमेंट करना बहुत अहम चीज़ होती है, आपको पता हो, कमेंट करना टेस्टिंग के लिए कभी करते हैं, कभी अपनी ज़रूरत के लिए लिखते हैं कमेंट्स, कभी कोड को आर्जी तौर पे बंद करना होता है चलाना उसका तो भी लिखते हैं, तो ये HTML में ये फॉर्मेट है।
स्टार्ट इस तरह करना है और एंड ये इस तरह, ये आपको ऐसे ही याद रखना है। थोड़ा सा ये अनयूजुअल है, तो बस ये कि आपका ब्राउज़र ये चीज़ नहीं दिखाएगा, टैग्स जो हैं वो दिखाएगा, तो टैग में ये है तो ये चीज़ नज़र आएगी। तो ये फिर इंफॉर्मेशन के लिए लोग लिखते हैं। और कभी कभी ये होता है कि जैसे हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कुछ, जैसे इसको मैं शुरू में 2 लिख दिया है, ऊपर वाला मैं कहता हूँ नहीं चलना चाहिए अभी, तो फिर उसको मैं इस तरह कमेंट बना दूंगा और इसको रन करूंगा तो ये वाला चलेगा। तो इसको बाद में फिर अनकमेंट कर दिया, ये मतलब ऐसे सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो उसका कमेंट्स का असल मकसद तो ये है कि वो आपके नीचे जो आपने लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन करे, या फिर वो मार्क आप कर देते हैं, जैसे यहाँ पे डिव्स लोग बनाते हैं ना, डिव में जब काम करते हैं तो उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है, तो लोग कमेंट में लिख देते हैं कि ये किस चीज़ के लिए डिव है, उसका फिर क्लोजिंग भी कर देते हैं, जैसे लिख दिया स्टार्ट डिव फॉर समथिंग, ठीक है, और इसी को फिर एंडेड लिख दिया या कुछ भी, मतलब जो भी, मतलब अपनी कन्वेंशन है। मतलब मैं अक्सर ऐसे ही लिखता हूँ, स्टार्ट और एंडेड लिखता हूँ, तो क्योंकि एक तो ये लेंथ इनकी वो बराबर आ जाती है, और आप वैसे भी जब ब्राउज़ कर रहे होते हैं पेज को तो इधर आप एरो रखें माउस का और स्क्रॉल करें तो फिर एंडेड आ जाता है, तो वो उस तरह फॉलो अप करना भी आसान हो जाता है, जिस तरह वो हम प्रोग्रामिंग में ब्रैकेट्स को फॉलो करते हैं ना, तो इसमें मैं फिर ये तरीका इस्तेमाल करता हूँ। कमेंट्स आर ग्रेट फॉर डिबगिंग HTML, को कोड देख रहा है उसको आसानी होगी, और कभी हम कमेंट कर लेते हैं। अभी अजान हो गई तो मैं रुक जाऊंगा। इसमें कुछ सिंपल सी चीज़ें, फिर मैं इसको भी इग्नोर करूँ। इसमें सिवाय इसके के कलर्स काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, ये देख लेने चाहिए इस्तेमाल करने से पहले, हेडिंग्स के लिए बैकग्राउंड इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पे एक ये थोड़ी सी नई चीज़ है, बॉर्डर, एक बैकग्राउंड और एक बॉर्डर। ये अगर आप जब CSS लिख रहे हैं, बास चीज़ें पैडिंग और मार्जिन समझ नहीं आ रहे होते, तो फिर आपको ये बॉर्डर लाजमी लिखना चाहिए, उससे
बाज़ों का तो चले अब ज़रूरत है यहाँ पे, तो अब ये गैर ज़रूरी लग रहा है, लेकिन बाज़ जगह पे ज़रूरत भी होती है बॉर्डर की, तो फिर तो चले आप दे भी सकते हैं। तो ये इसमें हम वो बिट्स में ला सकते हैं इसमें, किसकी वेट्स बॉर्डर की? ये जो आगे पहला जैसे H1 लड़का रेड वाला जो जी जी टोमेटो वाला, तो नहीं इसमें एक काम भी हो सकता है ना। नहीं, ये जो 2 लिखा है ये 1P20, ये इस तरह ये कर सकते हैं ना, ये तो इसकी विड्थ ही है ना। ये तो उसका वो बॉर्डर की मोटाई है ना, ये तो जी, नहीं वैसे वेट कह रहा हूँ मैं, ये जो चौड़ा है ना इसमें चौड़ाई कम कर दें, ये नहीं ये बॉर्डर सिर्फ हेलो वर्ल्ड के करीब इर्द गिर्द हो बस, दूर ना जाए, वो बिल्कुल लास्ट तक अच्छा, गया। वो फिर ये वजह है ना कि आप देखें बॉर्डर बना रहे हैं आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट का, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट तो आपको पता है ना कि वो पेज के स्टार्ट से लेके एंड तक होती है उसकी विड्थ, तो फिर आपको ये करना चाहिए हाँ जी इसको जी आप ना, आप ऐसे करें, इसका एक हल तो ये है कि आप इसको ना, ये मैं अभी 2 ही रहने देता हूँ क्योंकि आपका मकसद ही नहीं था, इसको आप स्पैन एक होता है, तो स्पैन क्योंकि इन लाइन एलिमेंट है ना, तो ये फिर आप इस तरह कर सकते बेहतरीन हैं। बेहतरीन। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन इसमें मज़ीद करना चाह रहा था, लेकिन ये कभी टाइम भी बिल्कुल नमाज का होगा, तो फिर मैं ये कि मैं अभी निकल जाऊँगा थोड़ी सी देर में, फिर नमाज़ पढ़ के बाकी फिर तब कंटिन्यू करूँगा। तो आप तकरीबन 5 बजे यहाँ पे मेरे ख्याल से नमाज़ होगी ना, तो तकरीबन 5:05 या 6 मिनट तकरीबन मैं आ जाऊँगा, फिर कंटिन्यू कर लूँगा। अभी मैं फिर उठता हूँ, फिर इसको यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है आदि भाई। सही है, मैं वीडियो तो इंशाल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर इसको ऑनलाइन भी कर दूँगा, तो कॉल अभी फिर मैं डिस्कनेक्ट ही कर रहा हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और रिकॉर्डिंग भी